الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ترفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفیے باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید عارف بابا صاحب قبلہ مد ذلہ العالی داماد برکات العالیہ و دیگر علماء کرام، خطباء اعظام، نعتخواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عرس شریف کے ضمن میں جلسہ فیضان اولیاء کی اس نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے. اللہ کا کروڑہا کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کے ماننے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے نام لیواؤں میں، ان کے فیض یافتہ غلاموں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی دور بیٹھے ہیں اور میں اتنی اوپر بیٹھا ہوں، میرے کو ایسا محسوس ہو رہا میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں اور آپ جو ہے اکلوج میں بیٹھے ہیں. مگر اب نکو نیچے کام بیٹھتے سب گندا ہے، وہیں بیٹھو. جذبات میں اٹھ کے آ جا رہے ہیں ایک صاحب.
माशाल्लाह जी 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 आओ जी जी इंतजामी जैसा है बेचारे उन्होंने क्या करेंगे उलमा हाँ स्टेज का माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह चलिए नो प्रॉब्लम एडजस्ट करता हूँ तकरीर करने के भी कुछ उसूल होते हैं तो तकरीर में मूड बनना सबसे बड़ी चीज़ है और मूड बनने के लिए आवाम का जो है बेदार होना पड़ता सुभान अल्लाह बोलना पड़ता बात समझ में आई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत कुछ तो भी चलते रहना नहीं समझ में आया तो नियारा तो भी बोलना पड़ता तो सामने वाले को तकरीर करने में ज़रा मज़ा आता हाँ चलो समझ में आ रहा समझ में नहीं आ रहा कुछ तो समझ में अगर आप लोग इतनी दूर है आप नारा भी मारो तो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही आपको भी एक माइक देना पड़ता आप नारा मारने के वास्ते मेरे हाल जरा ये वुड्स कमेटी आइंदा से जरा जलसा करे तो थोड़ा इन लोग खरीब बिठाओ भाई जी जी और इंशाल्लाह जी तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों देखिए अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला का ये एक कुदरती निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे ये बिजली का निज़ाम कायम किया करंट का इलेक्ट्रिसिटी का तो आप गौर करके देखिए जब ये इलेक्ट्रिसिटी बनी है तो इसका बनाने वाला पहले बना है इलेक्ट्रिसिटी बाद में बनी है बेशक आई बात समझ में नहीं आई आई तो जरा सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह हाँ माशाल्लाह है लोगा अल्लाह का शुक्र है आप देखिए एरोप्लेन बना एरोप्लेन जो आज हजारों लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का सबसे बड़ा जो है जरिया बना हुआ है मिनटों में आदमी जो है इस दुनिया से उस दुनिया को इस इलाके से उस इलाके को पहुंच जाता है बेशक घंटों के अंदर आदमी आज जो है महाराष्ट्र में है कल सुबह वो अमेरिका को पहुंच जाता है बेशक ये ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा निज़ाम है एरोप्लेन है हवाओं में उड़ता है और वो इतना जो है टेक्निकल तौर पे मजबूत ट्रांसपोर्ट है कि वो हवाओं में रहता जहाँ बोले वहाँ बेचारा उतर नहीं सकता मगर जब उसको लेके उड़ रहा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उड़ता कि ने बीच में खराब होने वाला नहीं है बेशक बात समझ में आ रही ना पायलट जब बैठता और जब उसको परमिशन मिलती कि आप फ्लाइट जो है टेक ऑफ करो तो परमिशन देने वाले को भी कॉन्फिडेंस है कि ये खराब होने वाला नहीं है नहीं है और उड़ाने वाले को भी कॉन्फिडेंस है कि इन्हें बर्बाद होने वाला नहीं है नहीं है फिर भी बैठने वालों को थोड़ी बहुत डर रही तो उन्हें कुछ तो भी पढ़ लेता फूक लेता बेशक और बैठ जाता अब अमेरिका को चले जा रहे लोग लंदन को चले जा रहे लोग सऊदी को चले जा रहे हैं दुबई को चले जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में बैठ के तो याद रखो ये ट्रांसपोर्ट बना बाद में है इसको बनाने वाला पहले बना है बेशक बेशक हक है ये अल्लाह का कुदरती निजाम है ये निजाम को समझे तो वहां भी नहीं बनते सुभान अल्लाह ये निजाम को समझे तो वहां भी नहीं बनते दरगाहों से दूर नहीं होते मिलादुन नबी करना नहीं छोड़ते या रसूल अल्लाह बोलना शिर्क नहीं समझते बेशक बेशक देखो अल्लाह ने क्या किया बंदे को बाद में पैदा करा बंदों को हिदायत की राह दिखाने वाले मोहम्मद के नूर को पहले पैदा करा सुभान अल्लाह हुजूर का नूर पहले बना है अल्लाह ने जन्नत को बाद में बनाया दुनिया को बाद में बनाया जमीन और आसमान को बाद में बनाया कायनात को बाद में बनाया अपने मुस्तफा के नूर को पहले बनाया और अल्लाह ने क्या किया इंसानों को भेजा महाराष्ट्र वालों तुम यहां बाद में आए तुम्हें हिदायत की राह दिखाने वाला ये अल्लाह का वली पहले भेजाया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह अरे आज पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र में कलमा पढ़ने वाले हैं कर्नाटका में कलमा पढ़ने वाले हैं तेलंगाना में कलमा पढ़ने वाले हैं हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश में कलमा पढ़ने वाले हैं सऊदी अरब में कलमा पढ़ने वाले हैं अमेरिका में कलमा पढ़ने वाले हैं लंदन में कलमा पढ़ने वाले हैं इजराइल में भी कलमा पढ़ने वाले हैं फलस्तीन में भी कलमा पढ़ने वाले हैं सारे कलमा पढ़ने वाले बाद में पैदा हुए कलमा पढ़ाने वाला मक्के की धरती पे पहले पैदा हुआ सुभान अल्लाह सुभान इतना ही लगाओ कौन तुम वहां से
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत है अकलूज वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौल साहब भी कंजूसी दिख रहे हैं। आला हजरत, आला हजरत। बात समझ में आई दोस्तों? कलमा पढ़ने वाले बाद में पैदा हुए, कलमा पढ़ाने वाला पहले पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करने वाले बाद में पैदा हुए, काबे का तारुफ कराने वाला पहले पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले बाद में पैदा हुए, कुरान सीने पर कबूल करने वाला पहले पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। अल्लाह जिस कौम को हिदायत देना चाहता है, उनके पास हिदायत याफ्ता हादी को, हिदायत का रास्ता बताने वाले को पहले भेज देता है। अकलूज वालों, तुम अब आए हो, तुम आकर 40 साल हुआ है, यहां पर कोई 60 साल से बैठा है, कोई 70 साल का बैठा है, कोई 80 साल का बैठा है, कोई 25 साल का बैठा है, मगर ये अल्लाह का वली पहले आ गया है, ये तुमसे पहले आया हुआ है, ये तुमसे पहले आया। हालांकि ये आने वाला कोई कर्नाटक से नहीं आया है, कोई महाराष्ट्र के किसी कोने से नहीं आया है, ये आने वाला आया नहीं है, इसके रब ने इनको भिजाया है। और ये कहां से आए हैं? ये दूसरे मुल्क से आए हैं, किसी और इलाके से आए हैं। हमने पूछा, हजरत बुखारा में आप क्यों नहीं रहते, आप बुखारा छोड़कर महाराष्ट्र क्यों आए हैं? तो अल्लाह के वली ने जवाब दिया, मैं आ नहीं रहा हूं, मेरा रब भिजा रहा है। हमने पूछा, हजरत आप क्या MLA बनने के लिए आए हैं, MP बनने के लिए आए हैं, चीफ मिनिस्टर बनने आए हैं, नेताजी बनने आए हैं, लीडर बनने आए हैं, सांसद बनने आए हैं, विधायक बनने आए हैं? जवाब मेरा नहीं नहीं, मैं लोगों के जैसा लीडर बनने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं लोगों को खुदा की रहमत दिलाने के लिए आया हूं, भटकी हुई इंसानियत को खुदा से जोड़ने के लिए आया हूं, इंसानियत को तौबा कराकर खुदा की जन्नत दिलाने आया हूं, इंसानियत को मदीने का पता बताकर मुस्तफा का गुलाम बनाने आया हूं, इंसानियत को सारों से तोड़कर एक खुदा से जोड़ने के लिए। बहुत ये अल्लाह वालों की शान है, ये आते नहीं है, इनको भिजाया जाता है। बेशक बेशक। गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, आए नहीं, गरीब नवाज को भिजाया गया। बेशक। क्यों भिजाया गया? ताकि ऐ मुईनुद्दीन, तुम्हारे जरिए से हम हिंद की जमीन पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आज उन्हीं का फैजान है, उन्हीं का सदका है, उन्हीं का करम है कि आज हम अपने परवरदिगार की इबादत करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, और एक बात देखो, ये औलिया अल्लाह की शान ये होती है, आप औलिया अल्लाह की जिंदगी के अंदर दो चीजें बड़ी मजबूती के साथ देखो, एक तो ये खुदा की फरमा बरदारी की इंतहा कर देते हैं। बेशक। राई बराबर की भी मर्जी मौला के खिलाफ वर्जी नहीं करते, हक है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। बेशक। रिजाए इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, खुशनुदी मौला के लिए जिंदगी गुजारते हैं, एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है, जरा गौर से सुनो, बहुत बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं। एक रिश्ता खुदा के साथ है। सुभान अल्लाह। एक रिश्ता खुदा के साथ, जरा जोर से बोलो, खुदा के साथ। राय बराबर की भी खता इनकी जिंदगी में नहीं होती। बेशक। राय बराबर की लक्षिश इनकी जिंदगी में नहीं होती, कभी ये भूले फटके से भी इनसे गुनाह नहीं होता। सुभान ये हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अपने मौला की याद में मसरूफ रहते हैं। और ये अल्लाह की सीरत उठाकर देखो, जिंदगी गुजर गई कितनी, 90 साल, किसी की 80 साल, किसी की 100 साल, किसी की 70 साल, मगर पूरे
पूरी जिंदगी में एक रकात नमाज भी तर्क नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी नमाज के साथ, इबादत के साथ, तख्वे के साथ, तिलावत के साथ, तस्बीह के साथ, तहारत के साथ, जिक्र के साथ, फनाइयत के साथ, महबूबियत के साथ, मारिफत के साथ, इरफान के साथ, लिल्लाहियत के साथ अपने मौला की याद में गुजार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अरे यार तुम लोग उसको नको देखो, मेरे को देखो, इधर देखो, ए बाबू उससे अच्छा मैं बोल रू ना, मैं कुछ छोड़ दो, बेचारा दूसरी दुनिया का है, उसके पीछे पड़े तुम लोग, मेरे को लाइट ले ले, इधर देखो सुनो, अब नहीं सुने तो फिर मरे तक कोई भी नहीं बोलने वाला है, अच्छी तरह सुन लो आज ही। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखो, औलिया अल्लाह का एक ताल्लुक अल्लाह के साथ बेशक, और औलिया अल्लाह का दूसरा ताल्लुक बंदों के साथ। सुभान अल्लाह, ये मखलूके खुदावंदी के बीच में रहते हैं, सरकार गौसे आजम मखलूके खुदावंदी के बीच में रहे, सरकार गरीब नवाज बंदों के बीच में रहे, सरकार बंदा नवाज बंदों के बीच में रहे, ये हमारे अल्लाह के वली बंदों के बीच में रहे, मगर खुदा की कसम पूरी जिंदगी इनके साथ रहने के बावजूद कोई अल्लाह का बंदा ये नहीं कह सकता कि इस बुजुर्ग ने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पर सितम किया है, मेरा माल लूटा है, मेरे साथ गंदा सुलूक किया है, मेरे साथ बदअखलाकी की है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ नाजेबा हरकत की है, मुझे ऐसी बात कही जो मेरे दिल पर गिरा गुजरी, खुदा की कसम इनके साथ रहने वाला, इनको देखने वाला कोई इंसान भी ये जुमला नहीं कह सकता, क्योंकि ये बंदों के बीच में रहते हैं अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ, किरदार के साथ। अरे ऐसा किरदार जिसम इनका होता है, तरीका मदीने वाले मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप देखो गौर करके, मस्जिद में हिंदू नहीं आता, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, मंदिर में मुसलमान नहीं जाता, वहां मुसलमान गया तो उन्हें घूर के देखता तू गई कुआ, अरे यहां अगर हिंदू भाई आ गया तो इन्हें घूर के देखता तू गई कुआया। मगर ये एक ऐसा मरकज है, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ हिंदू भी आता है मुसलमान भी आता है। अगर कहीं भाईचारगी की मिसाल मिलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी की अगर कहीं मिसाल देखना हो, ना कहीं और नजर आएगी, ना कहीं और मिलेगा, अगर देखना हो चलो अजमेर चलते हैं, गरीब नवाज के दरबार में देखा जाएगा, चलो गुलबर्गा चलते हैं, बंदा नवाज के दरबार में देखा जाएगा। अगर इतना सफर नहीं कर सकते तो अकलूज आओ हजरत खमर पीर के दरबार में नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। अच्छा आप पूछेंगे मस्जिद में कई गुने होता मुल साहब, वहां मुल साहब रहते, मुल साहब समझ में आ रही बात, मौलाना साहब में सूफी साहब में बहुत बड़ा फर्क रहता, मौलाना साहब फतवा देख के बात करते और सूफी साहब इंसानियत देख के बात करते। सुभान अल्लाह, ये सूफियों का मामला क्या है, ये आदमी को नहीं देखते, उसके दिल को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, एक एक को बुलाते जाते हैं, दर पे बिठाते हैं, दिल को पाक करके धो के साफ करके भेजते चले जाते हैं, भेजते चले जाते हैं। इनके पास खैरियत नाम की चीज नहीं होती है, दिल आजारी नाम की चीज नहीं होती है, इनको मायूसी देने नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये हरेक को दुआ देते चले जाते हैं, हरेक पर शफकत करते चले जाते हैं, हर एक पर करम करते चले जाते हैं, जो इनके दर पे आता है वो इनको सरफराज करते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, सरफराज करते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान की एक जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब है कि जब भी कोई हिंदुस्तान का वजीर आजम बनता है,
वो जियारत के लिए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चादर मुबारक लेकर हाजिर होता है, बेशक सुभान अल्लाह, उनकी दुआएं लेता है, बेशक उनके खदमों में अपना सर रखता है, कहता है कि मैं तो 5 साल का कुर्सी पर बैठने वाला हूं, हकीकत में इस हिंदुस्तान के 800 साल तो आप ही राजा है, सुभान अल्लाह, 800 साल से आप ही राजा है, यही बुजुर्गाने दीन है, जिसको चाहते हैं सरफराज कर देते हैं, अता कर देते हैं, नवाजिश कर देते हैं, मोहब्बतों से मालामाल कर देते हैं, दिलों को पाक कर देते हैं, बेशक बेशक, यहाँ पर इख्तलाफ नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल, झगड़ा नाम की चीज नहीं है, फितना नाम की चीज नहीं है, इंतजार नाम की चीज नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक नुक्ता जरा अर्ज कर देता हूं, अजी ये वो दर है यहाँ पे गैर आके नेमत ले लेते, बेशक, और पट्टे अपने लोग जड़ हुशारी करते, ये गम्मत की बात है, देखो आप अपने पट्टों को बोले तो 4-4 महीने 40-40 दिन चप्पा चप्पा फिरने तैयार है पट्टा, अकलूज में रह के हजरत का ने आने तैयार नहीं है, अरे मैं बोला मिल रहे भाई हजरत से मिल, हजरत की दुआ ले, दुआ करते क्या लो गम्मत, हजरत का ने गए तो हजरत सुनते क्या, हजरत को बोले तो हजरत सुनते क्या, हजरत कहने गए तो हजरत देखते क्या, उन्हों मर गए ना, मौत आ गई ना, उन्हों जिंदा है क्या, ऐसे भामटे बाता करता, इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, बोले भाई जो ले रहा उसको देते चले जाओ, बोले सुभान अल्लाह, गैरा पकड़ के नेमता ले ले रही, बेशक, और अपने लोग खाली भामटे बाता करने में रह जा रहे, इसलिए गली गली में जूते खा रही, हाँ अल्लाह, गली गली में जूते खा रही, वजह यही छे, जब इनकी निगाहे करम हट जाती जलील हो जाते, बेशक, बेशक, इनकी दुआओं से निकल जाते रुस्वा हो जाते, शर्मसार हो जाते, जलीलो खार हो जाते, नीस्तो नाबूद हो जाते, वक्त से पहले हलाक भी हो जाते, बेशक, इनकी दुआएं लेना, ये वो बुजुर्ग आए जिनकी दुआओं से आज ये नस्लें आबाद हैं, ये कौमें आबाद हैं, ये बुजुर्गों का सदका है, या हलाक करने वाली बीमारियां नहीं आती, ये बुजुर्गों का सदका है, या तबाह करने वाले जलजले नहीं आते, ये बुजुर्गों का सदका है, या गारत करने वाले तूफान नहीं आते, ये बुजुर्गों का सदका है, यहाँ पर कोरोना आता है मगर सबको खत्म नहीं करता है, ये बुजुर्गों का सदका है, आने वाली बलाएं टल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।